तरह की है, जिसमें एक ऐसी पार्टी को सीट दी जा रही है जो पार्टी उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट ही नहीं करती और जिनकी कोई फॉलोइंग नहीं है। तो ये एक तरह से एडजस्टमेंट है, जो ये ज्यादा लगता है कि शायद वो किरणमोय नंदा के लिए कोई स्थान वहां चाहते हो, इस तरह का एक एडजस्टमेंट करना चाहते हो। वरना तो जो दोनों जब एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो आप अपने कैंडिडेट जिताकर भी सम्मान कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम वोट्स के लिए या पर्टिकुलर एक वोट के लिए एक गठबंधन हो जिसमें कि कोई डिवीजन ना हो, इस तरह की कोई बात भी यहाँ नहीं दिखाई देती है। ये तो सिर्फ एक इस तरह का बहुत ही एक एडजस्टेबल पोजीशन है जिसमें कि उनकी पार्टी को यहाँ रोप इन करके, लेकिन उसके लिए उम्मीदवार भी खुद ढूंढना पड़ेगा, वरना टीएमसी कहाँ से यहाँ उम्मीदवार चुनेगी। और चूंकि भदोही आपने नाम लिया तो वो कोई भी सीट हो सकती थी, जिसको भी समाजवादी पार्टी उनको देना चाहती है तो दे सकती है। ये ममता बनर्जी भी जानती है कि वो तमाम सीटों पर एक ही जैसी है, उनके कोई बहुत यहाँ ना तो उनके वोटर्स हैं, ना उनकी फैन फॉलोइंग्स हैं, ना ही उनके उठाए गए किसी मुद्दे का उत्तर प्रदेश में कोई आधार होगा। चूंकि उत्तर प्रदेश में और बंगाल की जो राजनीति है दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों तरफ मुद्दे अलग अलग हैं, तो वो कैसे उन्होंने एडजस्ट किया ये तो वही बताएंगे, क्योंकि चुनाव परिणाम इस बात को बताएगा कि ये फैसला किस तरह का था, सही रहा गलत रहा, और चुनाव परिणाम के बाद भी दोनों पार्टियों की अंडरस्टैंडिंग लोकसभा में कैसी होती है। रही दूसरी की, आजकल आपने देखा होगा कि जब वो कोई पार्टी दूसरी तरफ जाती है, जैसे जयंत चौधरी का उदाहरण आप ले सकते हैं, जब जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आए थे तो वो अत्यंत ही हर्ष का और बहुत ही शानदार कदम था। जयंत चौधरी की राजनीति बहुत मैच्योर उस वक्त हो गई थी, चाहे आप उनके जो समर्थक है उनसे पूछिए या उस समय जो दूसरी पार्टियों को समर्थन करने वाले लोग हैं उनसे पूछिए, लेकिन जैसे ही उनको ये लगा कि वो एक नया गठबंधन बनाते हैं अपने राजनीतिक दूरदर्शिता के लिए या अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपने लोगों के लिए, उन्होंने जैसे ही एनडीए में ज्वाइन किया तो आप अचानक देखेंगे तमाम लोगों की तल्खियां, हालांकि इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि किसी भी तरह का कोई इस तरह का बयान ना तो अखिलेश की तरफ से आया, अखिलेश यादव जी ने ना दिया, ना जयंत चौधरी इस तरह की बयान दिए। तो मुझे लगता है कि ये तो मैच्योरिटी दिखाई देती है, लेकिन बाकी तमाम जगह में चाहे आपने बिहार में देखा हो कि जब नीतीश इधर आते हैं तो उनको कभी पलटू कभी कुछ और कहा जाता है, लेकिन जैसे ही उधर जाते हैं उनके साथ हो जाते हैं तो कहा जाता है कि ये एकदम लड़ाई है सांप्रदायिकता से रोकने के लिए या कुछ भी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उस तरह के भाषणों के लिए भी चुनाव आयोग ने एक इशारा किया है कि आप कम से कम अपना व्यवहार तो दुरुस्त रखिए। हालांकि मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय से दो मैच्योर चीजें दिखी हैं, चाहे वो आरजेडी की तरफ से जब नीतीश कुमार गए हैं तो तेजस्वी ने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया है, तो उस तरफ बढ़ रही है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने सही बिल्कुल चुनाव आयोग ने इस बात का जिक्र किया और ये बात भी उन्होंने कोट की, भले ही किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं ले सकते वो, कि आजकल ऐसा ज्यादा हो रहा है। अवधेश उपाध्याय, मैं आपके पास आऊंगा और सवाल आपसे यही है, क्या राजनीतिक शुचिता जो है उसमें कमी आई है? सोशल मीडिया का दौर है, आप कुछ भी चाहे वो लिख सकते हैं, सबको आजादी है कुछ भी बोलने और कहने की, लेकिन जो आदर्श मूल्य है उस पर कहीं ना कहीं लोगों को सोचना चाहिए, और खासतौर पर आम लोगों की बात छोड़ दीजिए, राजनीतिक दल जो है राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए जो लोग हैं वही इस पर खरे नहीं उतरते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं सहमत हूं इस बात से कि जिस तरह से हमारे देश में जो बोलने की आजादी की जो बात करते हैं, अगर बोलने की आजादी की हम बात करें तो आप उस बात को रखिए ना जो तथ्यों के आधार पर सही है। अगर आप फेक न्यूज डालकर, फेक न्यूज आप फैला रहे हैं, उसे फैलाकर देश को भ्रमित कर रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता भी अब जान चुकी है कि कौन उनको भ्रम कर रहे हैं, भ्रम में डालने की काम कर रहा है, कौन उनको विकास की राजनीति करना चाहता है। तो अब पूरी तरह से ये साफ हो चुका है। पत्रकार महोदय, यहाँ आप देखिए, आप सपा के वो भी बैठे प्रवक्ता जी, ये वही उसी पार्टी से आते हैं अभी कुछ, जिससे इन्होंने अभी गठबंधन किया है कांग्रेस पार्टी से, इनके नेता अखिलेश यादव जी अभी उसके लिए कह रहे थे कि अरे बेकार पार्टी है, फ्रॉड पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है। आज अखिलेश यादव जी उनके साथ जो है अपना गठबंधन करके बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये कहीं ना कहीं अब देश उत्तर प्रदेश की क्या पूरे देश की जनता ये जान चुकी है कि जिस प्रकार से 2014 से 2024 तक 10 साल में जो विकास मोदी सरकार में हुआ है चहुंमुखी विकास देश का, वो पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, भुवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बोलिए।
देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी अभी ज्ञान दे रहे थे कि हमने कांग्रेस के लिए क्या बोला और मैं ज्ञान नहीं दे रहा बोला। नहीं एक मिनट सुनिए सर, मैं ज्ञान नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूँ। अरे देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं आज, इसको डिबेट ना बनाए, आप एक एक करके अपनी बात करिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ राजभर जी क्या कह रहे थे। चल सन्यासी मंदिर में आगे की लाइन टीवी में नहीं बोली जा सकती। आज क्या करा आपने, गले लगा लिया। ये